गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम उपस्थित हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो जरूर नई है, लेकिन टॉपिक नया नहीं है। हमारा समास चल रहा है अभी तक, और ये समास का लास्ट पार्ट है। अब समास का बहुत कम पार्ट बच गया है, इसमें सब कुछ खत्म हो जाएगा। और आशा करता हूँ कि पहले की जो भी वीडियोस में मैंने समझाया आपको समझ में आया हो। नहीं आया हो तो आप मुझे ज़रूर बताइए। तो अब तक हमने अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास पढ़ा। तत्पुरुष समास के भेद पढ़ लिए। अब हम समास के बाकी बचे चार भेद पढ़ेंगे, जिसमें कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद समास और बहुव्रीहि समास। बाकी बचे समास के चार भेद हम आज पढ़ेंगे। अब हम वापस जाएंगे समास के मूल भेदों पर। तो मूल भेद में अब तक हमने दो पढ़ा, अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास। अब हम तीसरा समास पढ़ेंगे, कर्मधारय समास। तीसरा मैंने इसलिए कहा क्योंकि जो मूल समास के भेद है उसमें तीसरे नंबर पर कर्मधारय समास आता है, क्योंकि अब तक हम तत्पुरुष समास के अलग अलग भेद पढ़ रहे थे। तत्पुरुष समास के हमने सात भेद पढ़े अलग अलग, लेकिन इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, तो अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास। अब ये तीसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। समझ रहे हैं आप, उत्तर पद यानी दूसरा वाला पद। इस समास में विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, दूसरा पद यानी उत्तर पद प्रधान होता है, ये तो समझ गए। अब इस समास में विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान संबंध होता है। अब विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान क्या है मैं आपको बता देता हूँ। विशेषण सबको पता है, जो शब्द किसी की विशेषता बताता है, और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है। अब एक एग्जांपल लीजिए, राम एक अच्छा लड़का है। इस सेंटेंस में विशेषण क्या है, विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, अच्छा। अच्छा शब्द विशेषता बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, राम की विशेषता बता रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है। यानी जो शब्द विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं। तो यहाँ विशेषण होगा अच्छा, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। यानी यहाँ किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो राम की विशेषता बताई जा रही है। यानी राम क्या है, विशेष्य है। समझ गए बात। अच्छा, ये जो उपमेय और उपमान है दोनों विशेषण और विशेष्य के ही दूसरे नाम है, अब इतना समझ लीजिए। अब हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ लिखा है समास पद चरण कमल। अब जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, कमल के समान चरण। तो यहाँ कंपेरिजन हुआ ना, किसके साथ किसका कंपैरिजन हो रहा है, कमल के साथ चरण का कंपैरिजन हो रहा है। तो यहाँ उपमान कौन सा है, यहाँ उपमान होगा कमल और उपमेय होगा चरण। समझ रहे, यानी उसी तरह है यहाँ आगे नील गगन, इसका विग्रह होगा नीला है जो गगन। अब इसमें किसका कंपैरिजन किससे है, नीला के साथ गगन का कंपैरिजन है। उसी तरह आगे है चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। अब आप इसमें समझ सकते हैं, पूर्व पद चंद्र है, उत्तर पद मुख है, और कंपैरिजन किसका हो रहा है, मुख का कंपैरिजन चंद्र से हो रहा है। यानी यहाँ जो उपमा है वो चंद्र होगा, चांद होगा, और उपमेय कौन होगा, मुख होगा। उसी तरह आगे है पीताम्बर और महात्मा, इसको आप पढ़ के समझ सकते हैं ऊपर के एग्जाम्पल के हिसाब से। मैं सारे एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, और अगर मैं तीन एग्जाम्पल समझा के दो एग्जाम्पल छोड़ देता हूँ तो आप उसके हिसाब से जब खुद कोशिश करेंगे तो आपको चीजें ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगी। और अगर नहीं आती है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं वहां एक्सप्लेन करके आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, और अगला है द्विगु समास। द्विगु समास बहुत आसान है इसे समझना और पहचानना। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे बहुत आसान हो जाएगा इसे समझना। पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक यानी नंबर्स बताता है। इसका जो पूर्व पद होगा, पहला जो पद होगा वो हमेशा नंबर बताएगा, जैसे द्वि, त्रि, चतुर्थ, ये सब जो नंबर होता है ना, ऐसा नंबर कोई बताएगा वो। इससे समूह या समाहार का बोध होता है, और ये हमेशा ग्रुप की बात करेगा। द्विगु समास में हमेशा एक ग्रुप की बात की जाएगी, उसे द्विगु समास कहते हैं। अब आपको मैं पहले बता दूं, समूह और समाहार दोनों एक ही चीज है,
दोनों का मतलब ग्रुप ही होता है। अब पहला एग्जांपल है, अच्छा मैं इसे पहले ट्रिक बता दूं आपको, इसे पहचानने का मैं ट्रिक बता देता हूं। ये है द्वि। द्वि संस्कृत का शब्द है और इसका अर्थ होता है दो, नंबर का जो दो होता है ना वो दो, संस्कृत में इसे द्वि कहते हैं। तो नंबर है और पहला पद नंबर बताता है द्विगु समास का, और आप जब यहाँ देखेंगे तो ये द्विगु भी पहला पद है। द्विगु और समास में अगर दोनों को पद मान लेते हैं तो ये द्वि जो है ये पहला पद है, और द्वि क्या बता रहा है, नंबर बता रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और द्वि स्वयं दो का अर्थ देता है, द्वि का अर्थ दो होता है। ठीक है, तो ये ट्रिक है इसे याद रखने का। अब एग्जाम्पल देखेंगे हम, पहला है नवग्रह। अब इसको जब विग्रह करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, नौ ग्रहों का समूह। अब इसमें पूर्व पद कौन सा और उत्तर पद कौन सा है आप समझ सकते हैं। नवग्रह में देखेंगे तो नव पूर्व पद है और ग्रह उत्तर पद है। तो नौ जो पूर्व पद है उसका अर्थ क्या है, नौ है ना, नाइन, तो ये नंबर बता रहा है, यानी ये द्विगु समास है। उसी तरह दूसरा है दोपहर, यानी दो पहरों का समाहार। तो यहाँ क्या है, दो क्या है, पूर्व पद है और दो नंबर बता रहा है ना, संख्यावाचक है ना, तो हो गया ये द्विगु समास। उसी तरह से त्रिवेणी है, तो त्रिवेणी का पहला पूर्व पद जो है वो तीन है, त्रि का अर्थ तीन होता है, ये जो त्रि है ये पूर्व पद है और इसका अर्थ तीन होता है। और वेणी का जो दूसरा पद है उत्तर पद है, इसका अर्थ नदी होता है। तो तीन वेणियों का समूह। तो आप समझ सकते हैं कि पूर्व पद है त्रि और त्रि का मतलब तीन होता है, ये संख्यावाचक है, यानी ये द्विगु समास है। जब भी किसी समास का पूर्व पद अगर संख्या बताता हो तो आप आंख बंद करके उसे द्विगु समास लिख सकते हैं। बाकी के एग्जांपल पंचतंत्र और त्रिलोक को आप खुद समझ सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं और अगला समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में सबसे पहले द्वंद्व का अर्थ समझिए। द्वंद्व का अर्थ होता है झगड़ा। द्वंद्व का अर्थ क्या होता है, झगड़ा। और झगड़ा कब होता है, जब दो बराबर अधिकार वाले लोग सामने आते हैं, जब दो समान शक्तिशाली लोग सामने आते हैं तब झगड़ा होता है। कभी भी कमजोर और शक्तिशाली का झगड़ा नहीं होता है, क्योंकि वो झगड़ा होने से पहले ही मामला सलट जाता है, क्योंकि जो कमजोर होगा वो डर जाएगा और चीजें खत्म हो जाएगी। झगड़ा तभी होता है जब दो समान शक्तिशाली लोग आते हैं। इसका मैं ऐसा आपको क्यों बता रहा हूँ, इसके डेफिनेशन में आपको समझ में आ जाएगा। आप यहाँ देखिए, इस समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं, यानी द्वंद्व समास में मैंने कहा कि दो समान लोगों में झगड़ा होता है। अब इसका अर्थ यह है कि अब तक हमने जो भी समास पढ़ा उसमें पूर्व पद प्रधान होता था, किसी में उत्तर पद प्रधान होता था, लेकिन यहाँ पहला ऐसा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, इसीलिए मैंने झगड़ा का जिक्र किया था कि आपको ये आसानी से याद रह जाए कि यहाँ दोनों पद प्रधान होता है। तो यहाँ क्या होगा, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, ये दोनों पद एक दूसरे पद के विलोम होते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। यहाँ पे दो पद होंगे, दोनों प्रधान होंगे और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, विलोम होंगे, लेकिन कहीं कहीं नहीं भी होता है। इसका विग्रह करने पर और अथवा या एवं का प्रयोग होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जब भी हम इसका विग्रह करेंगे तो वहां पे ये सारे शब्द प्रयोग होंगे, या तो और का प्रयोग होगा या अथवा या एवं, इन्हीं शब्दों का प्रयोग होगा। हम एग्जांपल में देखेंगे, पहला एग्जांपल है जलवायु। अब इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, जल और वायु। अब पहली बात इसमें क्या कहा गया कि दोनों पद प्रधान होता है, तो दोनों पद प्रधान है, जल और वायु दोनों इम्पोर्टेंट है। हम किसी को नहीं कह सकते कि ये कम इम्पोर्टेंट है और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर ये इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हम सबको पता है जल और वायु हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए यहाँ दोनों पद प्रधान हो गए। और ये ऑपोजिट तो नहीं है, इसलिए यहाँ कहा गया ये हमेशा नहीं होता, ये हो सकता है कहीं कहीं ऑपोजिट नहीं भी हो। तो ठीक है, यहाँ ये ऑपोजिट नहीं है, लेकिन दोनों पद प्रधान जरूर है, और बीच में क्या लगा है, तो और लगा है, जैसा यहाँ पर बता दिया गया था। तो ये हम समझ सकते हैं कि ये द्वंद्व समास है। दूसरा एग्जांपल देखिए, अपना पराया, और बीच में हाइफन लगा है। इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या होगा, अपना या पराया।
यानी ये दोनों सबसे पहले कि दोनों इंपॉर्टेंट है, अपना और पराया। अब अपना जो होगा वो पराया नहीं होगा और जो पराया होगा वो अपना नहीं होगा, यानी दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों एक दूसरे के विपरीत है, विलोम है, ऑपोजिट है, अपना और पराया ऑपोजिट है, दोनों कंडीशन हो गया पूरा। और बीच में क्या लगाया गया, या क्यों लगाया गया, क्योंकि दोनों में से कोई एक जब होता है तो या ही लगाया जाता है, अपना और पराया नहीं लिख सकते, अपना या पराया लिखना होगा। तो हम समझ गए ये द्वंद्व समास कैसे है, क्यों है। एक चीज और आपको बता दूं, आपको अगर जब भी ऐसा कोई समस्त पद लिखा मिले, हमेशा याद रखिएगा समस्त पद की बात कर रहा हूं, समास विग्रह के नहीं, जब भी समस्त पद दो पद हो और बीच में हाइफन लगा हो, ये डैश लगा हो, और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो, जैसे यहाँ पाप पुण्य, राधा कृष्ण, अन्न जल, जब कुछ भी एक दूसरे के ऑपोजिट हो और बीच में हाइफन लगा हो, तो आप समझ लीजिएगा कि ये द्वंद्व समास ही है, ये दूसरे किसी समास में इस तरह से नहीं लिखा जाता। आप बेसिक्स दो नियम है ये याद रखिए हमेशा, इसमें दोनों पद प्रधान होता है और दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है, ऑपोजिट होता है, लेकिन कभी कभी नहीं भी हो सकता, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये ऑपोजिट होते हैं। तो ये नियम याद रखिए, आपको आसानी से समझ में आएगा। और एक बात, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही समास क्लियर होगा। आप अगर सोचेंगे कि एक बार मैं पढ़ लिया और याद कर लिया और मेरा सब कुछ हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपका क्लियर होता जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और आखिरी समास पर पहुंचते हैं, यह है बहुव्रीही समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। अब तक हमने पढ़ा कि किसी में पहला पद प्रधान होता है, किसी में दूसरा पद प्रधान होता है और किसी में दोनों पद प्रधान होता है, लेकिन ये बाकी सबसे अलग है। और इसमें क्या है, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तब वह तीसरा पद प्रधान होता है, यानी इसमें जो दो पद होंगे वो दोनों मिलकर एक तीसरा पद बनाएगा और वो तीसरा जो पद बनेगा वही इंपॉर्टेंट होगा। इसका विग्रह करने पर वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं, वह बहुव्रीही समास कहलाता है। हम एग्जांपल में जाएंगे, ऊपर समझ गए हम बात कि यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर सबसे अलग है, इसे याद रखना आसान है क्योंकि ऐसा किसी समास में नहीं होता है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ दोनों पद प्रधान नहीं होगा बल्कि दोनों पद मिलने से एक नया पद बनेगा और वो जो नया पद बनेगा वही इसका प्रधान पद कहलाएगा। और इसमें जब विग्रह करेंगे तो ये सारे शब्द वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि जैसे शब्द आते हैं। ये आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, जरूरी नहीं कि यही सब आए, और भी शब्द आ सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहला एग्जाम्पल है त्रिनेत्र। अब आप त्रिनेत्र का क्या होता है, त्रि का मतलब तीन और नेत्र का मतलब आंख। तो अब आप इसको द्विगु समास में नहीं लिख सकते हैं कि त्रि है, पहला पद है, नंबर बता है, इसलिए हम इसको द्विगु समास में लिख देंगे और इसका विग्रह करके लिख देंगे कि आप तीन नेत्रों का समूह। तीन नेत्रों का समूह सही नहीं होगा इसका विग्रह। क्यों? क्योंकि त्रिनेत्र भगवान शिव का दूसरा नाम है, ये आपको जानना पड़ेगा। और इसका विग्रह क्या होगा, तीन नेत्र है जिसके, यानी कौन होगा ये तीन नेत्र है जिसके, यानी ये भगवान शिव होंगे। तो आपको हमेशा ऐसा ही लिखना पड़ेगा। अगर आपको त्रिनेत्र दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि इसका समास विग्रह कीजिए, तो आपको ये लिखना पड़ेगा तीन नेत्र का समूह। या तो अगर आपको त्रिनेत्र दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि इसका समास विग्रह कीजिए, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा तीन नेत्र है जिसके, और ब्रैकेट में आपको शिव लिखना पड़ेगा। अगर आप ब्रैकेट में शिव नहीं लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा, यानी आपको ये कंप्लीट पूरा लिखना पड़ेगा, त्रिनेत्र यानी तीन नेत्र है जिसके ब्रैकेट में शिव, तभी ये सही माना जाएगा। दूसरा है नीलकंठ। हम सबको पता है नीलकंठ किसको कहते हैं, ये भी भगवान शिव का ही नाम है। तो इसका विग्रह करते समय क्या लिखेंगे, नीला है कंठ जिसका, और ब्रैकेट में उनका नाम शिव। तो ये होगा बहुव्रीही समास। उसी तरह अगला है लंबोदर। लंबा है उदर जिसका, और फिर ब्रैकेट में गणेश।
लंबा है उधर जिसका, उधर यानी नाक होता है, सूंड जो उसको कहते हैं। तो सबको पता है गणेश जी का नाक नहीं सूंड है, इसलिए वहां लिखा गया लंबा है उधर जिसका यानी गणेश। उसी तरह दशानन है, तो दशानन रावण को कहते हैं, सबको पता है। और इसमें आनन का मतलब सिर होता है, तो क्या लिखेंगे, दस है आनन जिसके, यानी रावण होगा। उसी तरह आता है चतुर्भुज, चतुर्भुज में क्या होगा, चार भुजाओं वाला या चार भुजाएं हैं जिसके, ये किसका होगा, तो ये विष्णु होगा। ठीक है, आप समझ गए, सारे समास मैंने क्लियर कर दिए हैं। आपको लग रहा होगा एक दो समास में, जैसे अभी आप सोचेंगे कि ये चतुर्भुज है, इसमें पहला पद चार बता रहा है, फिर भी आप ये बहुव्रीहि समास में है, ये द्विगू समास क्यों नहीं है, तो ये द्विगू समास क्यों नहीं है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि चतुर्भुज भगवान विष्णु को कहा जाता है, इसलिए ये चतुर्भुज बहुव्रीहि समास में आता है। अगर आपको यही द्विगू समास में दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि इसका विग्रह कीजिए, तो क्या लिखेंगे आप, चार भुजाओं का समूह, तब आपको ये ब्रैकेट में विष्णु नहीं लिखना पड़ेगा। अगर आप ब्रैकेट में विष्णु नहीं लिखते हैं और इसको विग्रह करते समय ये लिखेंगे कि चार भुजाओं का समूह, तब ये द्विगू समास हो जाएगा। लेकिन आप अगर इसमें कहेंगे कि दशानन, इसमें पूर्व पद जो है प्रथम पद वो दस है और ये नंबर बता रहा है, तो आप दशानन का विग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे, दस आननों का समूह तो नहीं कर सकते ना, दस सिर का समूह, ये तो लॉजिकल बात ही नहीं है, हम कहीं नहीं इसका जिक्र करते हैं, तो ये हम नहीं लिख सकते। यानी हम अपनी मर्जी से किसी को भी द्विगू समास और किसी को भी बहुव्रीहि समास नहीं बना सकते, हमको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी। और मैं आपको आसानी के लिए बता दूं कि हिंदी में जो बहुव्रीहि समास है उसमें मैक्सिमम जो वर्ड्स आएंगे वो किसी न किसी भगवान के ही नाम है मैक्सिमम। और ऐसे हिंदी में बहुव्रीहि समास के शब्द मैक्सिमम, मैं बहुत अगर ज्यादा मान लूं तो 50 है, मैं 50 बहुत ज्यादा मान रहा हूँ, 35 से 40 के बीच में है ये शब्द अगर एक्चुअल फिगर में जाए, लेकिन मैं अगर बहुत ज्यादा मान भी लेता हूँ तो 50 है। तो अगर आप एक बार 50 शब्द को एक दो बार तीन बार पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारे शब्द बहुव्रीहि समास के हैं, ये द्विगू समास के नहीं है या दूसरे समास के नहीं है। तो ये सारी चीजें थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे आप तो ये क्लियर हो जाएंगी, और ये ऐसी चीजें हैं जो एक बार आप अगर ठीक से पढ़ लेंगे तो ये आप नहीं भूल पाएंगे, आसानी से याद हो जाता है। और इनफैक्ट मैं कहूँ कि इसे याद करने की जरूरत ही नहीं होती, इसे तो एक बार समझ लेने से आदमी ज्यादा आसानी से समझ लेता है। इसे याद करने से हम भूल सकते हैं लेकिन समझ लेने के बाद हम कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। तो इस तरह से मैंने आज समास पढ़ा दिया है। मुझे पता है कि टॉपिक लंबा है, वीडियो भी लंबा हुआ है, इसलिए आप इसको आराम से समझिए, थोड़ा थोड़ा करके देखिए, आधा पार्ट को पहले देखिए समझिए, फिर आप उसको क्लियर होने के बाद फिर आधे पार्ट को देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझिए। और जो भी डाउट है आप आराम से कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं वहाँ आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। अब तक मुझे किसी भी वीडियोस पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इसलिए मैं आपसे चाहता हूँ कि आप ज़रूर मुझे क्वेश्चन कीजिए। अगर आपको कुछ समझ में आ भी गया है फिर भी एक क्वेश्चन ज़रूर कीजिए मुझे। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही रहता है, हम अगले वीडियो में एक अगले नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।